तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या क्या चेक करता है जिससे कि आपका जो चैनल है मोनेटाइज होता है। अगर आज के मैं बात करूं इस 2024 में अगर एक दिन में 1000 चैनल रिव्यू के लिए जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर 100 ही चैनल जो है मोनेटाइज होते हैं, बाकी 900 चैनल रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कुछ न कुछ कमी के कारण से। तो दोस्तों आज मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आपको ये कमी बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे कि आपका चैनल रिजेक्ट हो सके। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है और रिजेक्ट होने से बच सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट दोस्तों जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा वो क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको समझना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक YouTube क्रिएटर बनना चाहते हैं, YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों YouTube पर अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई भी किसी भी कैटेगरी में वीडियो बना रहा है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर पैसा कमाना चाहता है वो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्रिएटर हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी लोग पैसा कमाना ही चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको YouTube पनिशमेंट देगा, पनिशमेंट ऐसा देगा कि आपके चैनल को रिजेक्ट कर देगा, मोनेटाइज नहीं करेगा, मतलब कि YouTube प्रोग्राम पार्टनर से वो आपको हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है फिर भी हो सकता है इन गलती को जैसे आपका चैनल जो है रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय गुप्ता और आप देख रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल साहू अक्षय गुप्ता को। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर कॉल पर भी सेट कर देना। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर ही देते हैं। कि दोस्तों अगर आप अंडर रिव्यू में भेजते हैं, कहने का मतलब YouTube प्रोग्राम पार्टनर में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, मोनेटाइज करवाना चाहते हैं अपना चैनल, जब भी आप रिव्यू में भेजते हैं YouTube आपके वीडियो पर सबसे पहले ये चेक करता है कि आपके वीडियो में सबसे ज्यादा वॉच टाइम कौन सी वीडियो पर मिला है, सबसे पहले वो चेक करे। और इसके बाद वो ये चेक करेगा कि इस वीडियो पर वॉच टाइम आया कहाँ से है, वॉच टाइम आया कहाँ से, कहीं आपने पेड प्रमोशन से नहीं लिया है, मतलब कहने का मतलब कहीं से आपने खरीदा तो नहीं वॉच टाइम, या फिर आप खुद से अपने फोन से चला करके तो नहीं वॉच टाइम कंप्लीट कर दिए हो, तो ये सब यूट्यूब चेक करता है। देखिए दोस्तों कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपने फोन से हॉटस्पॉट दे करके किसी और फोन में चला लेते हैं अपना ही वीडियो। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि हॉटस्पॉट दे करके अगर आप वीडियो चलाते हैं उनके फोन में तो वहां पर जो आईपी एड्रेस होता है वो वहां पर शो होगा आप ही के फोन का, तो इसलिए आप हॉटस्पॉट दे करके वीडियो बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो वो आप ही के फोन में माना जाएगा कि आप ही के फोन में वो वीडियो चल रहा है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप कभी भी अपने फोन में अपना वीडियो नहीं चलाएंगे, हालांकि हाँ एक दो बार चला सकते हैं, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो बिल्कुल आपको अपने फोन में अपना वीडियो नहीं चलाना है, अगर आप वीडियो चलाते हैं तो आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है। और दोस्तों क्या चीज चेक करता है यूट्यूब, और चेक करता है आपके थंबनेल को, आपके टाइटल को, आपके डिस्क्रिप्शन को, आपके डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक को, कहीं ऐसा तो नहीं स्पैम लिंक या फिर एप्स का आपने रिव्यू कर दिया है इसके बाद लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक डाल दिया, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर आपके डिस्क्रिप्शन में YouTube ऐसा कोई लिंक पाता है जो स्पैम है गैम्बलिंग है तो वहां से आपके चैनल को रिमूव कर देगा, स्ट्राइक दे देगा, कहने का मतलब पहली गलती रहेगी तो वार्निंग रहेगा नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। और दोस्तों क्या चेक करता है, दोस्तों YouTube ये भी चेक करता है कि आपके कौन से वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आया है, व्यूज आपने कहीं खुद से नहीं बढ़ाया या फिर आपने कहीं से पेड प्रमोशन करा करके तो नहीं लिया, लोग फ्री एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू अपने व्यूज बढ़ा लेते हैं और उससे वॉच टाइम ले लेते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं, तो ये सब YouTube चेक करता है आपके कौन सी वीडियो से कितना सब्सक्राइबर आया है, कौन से वीडियो पर ज्यादा व्यूज आया है और कौन सी वीडियो से ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम आया, कौन सी वीडियो किस जगह पर चली है, कौन सी वीडियो आपकी ज्यादा वायरल हुई है, ये सभी चीज YouTube चेक करता है। मेटा डाटा, ये किसी को नहीं पता होगा कि YouTube अगर मेटा डाटा बताता तो क्लियर नहीं करता कहाँ से है मेटा डाटा। देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, टाइटल टैग कहीं पर भी हो सकता है, हैशटैग में भी हो सकता है, लाइक मान लीजिए आपने वीडियो बनाया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या फिर हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल, अब वहां पर आप जब सब्सक्राइबर या फिर ग्रो होने के लिए आपने बताया यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए तो आपने थंबनेल में क्या लगा दिया, थंबनेल में क्लिक बेट कर दिया आप कुछ ऐसा कि वहां पर लोग भर भर के क्लिक कर रहे हैं उस वीडियो पर, लाइक मान लीजिए आपने थंबनेल में क्या लगा दिया, जैसे कि आपने वीडियो बनाया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो वहां पर आपने थंबनेल लगा दिया कि एक रुपए में या फिर दो रुपए में सब्सक्राइबर 20,000 सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर ले लीजिए, या फिर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ बता दिया कि जो चीज आप वीडियो में बताए हैं वो चीज थंबनेल पर है ही नहीं या फिर डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं या फिर टाइटल में है ही नहीं या फिर टैग में है ही नहीं, तो आपने यहीं पर गलती कर दी है कि आप जो चीज वीडियो में बताए हैं वो चीज थंबनेल पर नहीं लगाए हैं, तो इस प्रकार से आप अपना जो यूट्यूब चैनल है खुद खतरे में डाल रहे हैं।
तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए। इतना क्लिक बेट मत करिए कि यूट्यूब को सीधे सीधे पता लग जाए कि आप क्लिक बेट कर रहे हैं और आपके चैनल को धड़ाक से उड़ा देगा, तो ऐसा गलती मत करिएगा। और दोस्तों सबसे मेन चीज तो ये है, यूट्यूब क्या चेक करता है मेटा डाटा में, आपके जो टैग्स वगैरह होते हैं, टाइटल होते हैं, थंबनेल होते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये चीज तो मतलब वो क्लियरली चेक ही करता है। और इसके बाद कहीं आपने अपने वीडियो में कुछ गलत न्यूज तो नहीं बता दिए हो, या फिर कुछ ऐसा चीज आप बोल दिए हो, या फिर कुछ ऐसा चीज दिखा दिए हो जो कि कमेंट्री गाइडलाइंस के खिलाफ रहता है, तो यहाँ पर भी आप सावधानी बरतिएगा। अगर यूट्यूब पर आप वीडियो बना रहे हैं, अपना खुद का वीडियो कॉन्टेंट अपलोड करिए, जिससे आप कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम या फिर मोनेटाइजेशन में कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, हालांकि कभी कभी यूट्यूब तब पकड़ पाता है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, तब पकड़ पाता है आपके वीडियो में है क्या चीज, कभी कभी ऐसा होता है, वो तुरंत ही स्ट्राइक नहीं देता है। और ऐसा होता है कभी कभी कि लगातार 3 स्ट्राइक दे देगा, 4 स्ट्राइक दे देगा, करने का मतलब आपका चैनल खत्म हो जाएगा तुरंत। तो ये गलती आप मत करिएगा, आप अपने खुद की वीडियो अपलोड करिएगा यूट्यूब पर, अपना खुद का कॉन्टेंट बनाइए और अपनी खुद की पहचान बनाइए कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो चीज समझाया हूँ इस यूट्यूब चैनल के बारे में लेकर के, कि आपके चैनल में क्या क्या चेक करता है यूट्यूब आपकी वीडियो को मोनेटाइज करते समय, कहने का मतलब आपके चैनल को मोनेटाइज करते समय, आपके चैनल को मोनेटाइज करते समय देखिए दोस्तों, मैंने आपको यही चीज बताया, वॉच टाइम चेक करेगा आपकी कौन सी वीडियो से कहां से कैसे आया कितना आया। अगर वो पकड़ पा गया कि आपने पेड प्रमोशन से खरीदा है या फिर आपने एक ही फोन से चला करके वॉच टाइम को पूरा किया, तो आपके चैनल को रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करेगा। और दोस्तों मेटा डाटा चेक करता है आपके थंबनेल में क्या है, आपके वीडियो में क्या है, आपके डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपके टैग में क्या है, आपके हैशटैग में क्या है, ये चीज चेक करता है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, लाइक कर देना और इस वीडियो को आगे भी जितना ज्यादा उसके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।